दोस्तों प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप $8-10 लगाकर 2 मिनट में लाखों रुपए कमा सकते हैं, और आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञापन भी देखे होंगे जिनमें व्यक्ति सिर्फ 2-4 क्लिक मार के बहुत सारे पैसे कमा लेता है, उस पर पैसों की बारिश होने लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे ज्यादातर जो ऐप हैं वो फेक हैं। इवन 99% ऐप ऐसे फेक हैं। इनमें जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब विड्रॉ करने की बारी आती है तो वो पैसे विड्रॉ नहीं हो पाते, और कौन जानता है वो ग्राफ सही है भी या नहीं। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा एक सही और रियल ट्रेडिंग करने का, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों जो रियल ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही होती है, क्योंकि शेयर मार्केट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, सब ने हमें यही बताया है कि शेयर मार्केट बुरी चीज है। लेकिन बात तो यह है कि उन्होंने खुद भी कभी ट्रेडिंग नहीं की है। 99% लोगों के जो पेरेंट्स या फिर जो लोग भी ये कहते हैं कि शेयर मार्केट बुरी चीज है, उन्होंने खुद कभी ट्रेडिंग नहीं की होती है, उन्होंने दूसरों से सुना होता है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होता, शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है लेकिन प्रॉफिट भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लाखों रुपए लगा के शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट जैसे कि एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, वैसे एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम अपने शेयर्स रखते हैं। अब डीमैट अकाउंट खुलवाने की सबसे अच्छी बात यह है कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे होता था कि आपको किसी ब्रोकर के पास या सब ब्रोकर के पास जाना होता था, फॉर्म फिल करना होता था, तब आपका डीमैट अकाउंट खुलता था। लेकिन अब सारे डीमैट अकाउंट ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि सबसे पहली बात वहां पे अकाउंट खुलवाना 100% फ्री है और वो बहुत ही पुरानी और ट्रस्टेड कंपनी है। डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पे आपने अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है, उसके बाद आगे की प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का भी लिंक दिया है, उस वीडियो में पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है एंजल ब्रोकिंग अकाउंट खोलने का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपकी मेल आईडी में आपको एक मेल आएगी जिसमें आपको लॉगिन करने की डिटेल्स दी गई होंगी। जब वो मेल आ जाती है उसके बाद आपने एंजल ब्रोकिंग का ऐप प्ले स्टोर या फिर अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो iOS स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप एंजल ब्रोकिंग के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका होगा तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू आ गया होगा, जो ईमेल आईडी आपने डाली होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी का भी एक ऑप्शन है, आप अपनी ईमेल आईडी डालकर भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूं कि शेयर कैसे खरीदना है। तो साइन इन जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आप जो चाहे वो शेयर खरीद सकते हैं, और अगर कोई शेयर आपको यहां पे नज़र नहीं आता है आपकी लिस्ट में, तो ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें ऐड लिखा हुआ है, तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टाटा पावर खरीदना चाहता हूं तो वो मैं यहां पर सर्च करूंगा तो वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आपको टाटा पावर नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों में नज़र आ रहा है। आप क्योंकि अभी नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैश में खरीदें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग बाद में सीखेगा, शुरुआत में अगर आप नए हैं तो कैश में ही खरीदना चाहिए। तो आप कैश में जो भी पसंद आता है वहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने ऐड कर दिया है, अब इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसे पहले सेल करके बाद में खरीद भी सकते हैं, उसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। लेकिन नए हैं तो शुरुआत बाय से ही कीजिएगा। आप एक क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब देखिए, हम एक क्वांटिटी जैसी मैंने लिखा तो यहां पे हमारा जो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 110 रुपए, तो ये दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसे यहां पे इंट्राडे में खरीदता हूं तो ये 13 रुपए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 110 रुपए वाला इंट्राडे में, यानी कि एक दिन में खरीद के एक दिन में बेचना है तो वो 13 में मिल रहा है। अगर मार्जिन में खरीदूंगा तो 26 रुपए में मिल जाएगा। डिलीवरी में जब आप खरीदते हैं तो वो आप कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं, इंट्राडे में आप खरीदते हैं तो आपको आज खरीद के आज ही बेचना होता है, इसलिए वो आपको 13 रुपीज़ का पड़ रहा है। एक्चुअल उसकी प्राइस 110 रुपीज़ है। आपने बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका शेयर बाय हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, अब इसकी प्राइस बढ़ेगी घटेगी जो भी होगा वो एक दिन के अंदर बेचना होता है, क्योंकि मैंने इंट्राडे में बाय किया है। अगर मैं इसको डिलीवरी में बाय करता तो फिर मैं अगर चाहूँ तो इसे सालों तक रख सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप एंजल ब्रोकिंग से शेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक दिन में शेयर खरीद के एक दिन में बेचते हैं, तो वहां पे वो शेयर आपको सस्ता मिल रहा है, इसलिए हमें ब्रोकरेज पे करनी होती है। और सभी कंपनीज में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजल ब्रोकिंग ही ब्रोकरेज लेती है, बाकी सभी कंपनीज जिसके भी डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे सभी ब्रोकरेज लेती हैं। एंजल ब्रोकिंग में अगर आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं तो आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इंट्राडे में या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वहीं पर हमें ब्रोकरेज देनी होती है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ तक पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं होती है। आप चाहें तो इसी ऐप में यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।